इस खबरनामे को पेश करदा अलमनान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। आप तमाम नाजरीन का एमके न्यूज़ में खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। नाजरीन 21वीं सदी में भी लोग काला जादू जैसी बातों पर यकीन कर रहे हैं और इस पर लाखों रुपये ज़ाय कर रहे हैं। उपल में डबल मर्डर यानी दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई थी, वो भी सिर्फ शक की बुनियाद पर किया गया था। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने 14 अक्टूबर को उपल में पेश आने वाले एक पुजारी और उनके बेटे के दोहरे कत्ल के मामले में मुमैना तौर पर मुलविस होने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। विनय रेड्डी जो कि मेन मुलजिम है, विनय रेड्डी को शक था कि पुजारी इन पर काला जादू कर रहा है और इनके कत्ल की साजिश रच रही है। सिर्फ शक की बुनियाद पर विनय रेड्डी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कत्ल की वारदात अंजाम दी थी। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रऊफ की ये रिपोर्ट पेश है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 21st सेंचुरी में भी काला जादू अभी भी मैटर कर रहा है। 14 अक्टूबर के सुबह उपल पुलिस स्टेशन के साई हनुमान नगर में एक डबल मर्डर केस रिपोर्ट हुआ, जिसमें फादर और सन को दो व्यक्ति ने आके उनके ऊपर अटैक करके उनको मार दिया था। वो केस हमारे डीसीपी मलकाजगिरी, एसीपी एसएचओ उपल के टीम ने और हमारे एसओटी के टीम ने डिटेक्ट किया है। इसमें 5 लोगों को अभी हमने हिरासत में लिया है। इसमें जो प्रधान सूत्रधार है उसका नाम है विनय, अलियास विनय रेड्डी, उसका और जो मर गया प्रिस्ट जो ब्लैक मैजिक सॉर्सरी का भी काम करता था करके अभी हमें मालूम हुआ है, जिसका 75 उम्र है, इसका पहले से परिचय था। 2016 में जब विनय ने सब इंस्पेक्टर की एग्जाम लिखी तो कुछ पूजा करने के लिए 6 लाख रुपया ये नरसिम्हा ने उससे लिए थे, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, होने के बाद पैसा वापस मांगा, पैसा नहीं मिला उससे करके उसने वही ग्रजेस से उसको पीछे पड़ा है। और बीच में जो कुछ इसके साथ में जो रोड एक्सीडेंट हुआ, कुछ क्रिमिनल केस में उसको अरेस्ट किया गया, इसके लिए भी ये नरसिम्हा कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा है करके ये दिल में रख के वो ग्रज से ही ये विनय ने अपना फ्रेंड बालकृष्णा और 3 लोग जगदीश गौड़, श्याम और राम, इनका वो साथ लेके ये मर्डर का पूरा प्लानिंग करके ये नरसिम्हा के ऊपर 14 तारीख को सुबह इन्होंने अटैक किया, उसको मार गिराया। और जब वो नरसिम्हा चिल्ला रहा था तो उसका बच्चा ऊपर से श्रीनिवास करके भाग के आया, उसके ऊपर भी अटैक करके उसका भी इन लोगों ने मर्डर किया है। 2 मर्डर इन लोगों ने किए हैं। इसमें अभी 5 लोग हम अटैक उनका अरेस्ट किया है, उनको अभी हम हिरासत में लेके उनको हम जेल भेज रहे हैं रिमांड के लिए। और उनके साथ साथ और 3 लोग हैं कि जिन्होंने इनको मर्डर होने के बाद उनको कुछ पैसा दिया, उनको व्हीकल दिए, उनके जो ब्लड स्टेन कपड़े थे वो वॉश की करके एविडेंस गायब करने की कोशिश की, उसको भी हम अरेस्ट करेंगे। टोटल 8 लोग अभी इस केस में हमने आइडेंटिफाई किए हैं। ये जो यही कहना है केस में कि अभी 21st सेंचुरी है, हम लोग जो साइंटिफिक जो विजन है, साइंटिफिक टेम्पर है, उसके साथ हमें चलना है। केवल हमें जो साइंस ने जो दिया क्रिएशन है उसको अपनाते नहीं अपनाना चाहिए, तो साथ साथ में साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक विजन का होना भी बहुत जरूरी है। यही मैं सभी को बताना चाहता हूँ। ये काला जादू जो कोई कर रहे हैं।